नमस्कार, गीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे दही बड़े, जो शादी पार्टी में बनती है। आइए अब हम बताते हैं कि शादी पार्टी में जो दही बड़ा बनता है वो कैसे बनता है। पहले हम धोई को, उड़द को पीस लें। जो धोई उड़द है इसको हम पीस लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए ऐसे हम सारे पीस लिए हैं। अब इसको हम ऐसे एक थाली में रख लेंगे। फिर इसको हम ऐसे फेंटेंगे। देखिए दही बड़ा एक ट्रेडिशनल डिश है। इसको हर शादी पार्टी मुंडन जो भी रहता है उसमें ये जरूर डिश बनता है। अलग अलग तरीके से बनता है, कोई चाशनी वाला तो कोई मीठा, कोई ड्राई फ्रूट वाला, कोई खट्टी मीठी वाली। आज हम सोचे कि हलवाई जैसे जो दावत पार्टी में रहता है शादी में, उसको बनाकर दिखा दें। ऐसे 10 मिनट तक इसको फेंटेंगे। फिर फेंट के रख देंगे 5 मिनट के लिए, वो सेट होगा, फिर हम इसको बनाएंगे। देखिए अब इसको हम ऐसे रख देंगे 10-5 मिनट के लिए, फिर वो सेट हो जाएगा। देखिए 1 लीटर हम दही लिए हैं। अब इसको हम इसमें हम चीनी डालकर और फेंट कर इसको रख देंगे फ्रिज में। फिर जब दही बड़ा हम बनाने लगेंगे तो इसको हम फिर फेंटेंगे एक बार। मीठी बनाना है इसलिए हम चीनी आधा कटोरी डाले हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, फ्रिज में रख देना है। अब हम इसको रख दे रहे हैं, फिर बाद में फेंटेंगे। आइए अब इसको हम फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए। आइए अब हम हींग के पानी बना लें। देखिए इतना समय तो मेरे पास कोयला है नहीं, तो हम हींग को क्या करेंगे, हलवाई लोग ऐसे करते हैं, कोयला रख कर इसको जला कर इसमें हींग डाल देते हैं। तो देखिए हम ऐसे सिर्फ हींग डाल देंगे और जरा सा घी। देखिए ऐसे इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे, मेरे पास कोयला है ही नहीं। ऐसे हींग को हम तेज फ्लेम पर उसको जलाना है, ऐसे ढक कर, किसकी महक इधर उधर ना जाए। देखिए बिना कोयले के हम ऐसे, देखो इसको जला दिए, धुआं निकल रहा है ना। अब हम इसको ऐसे हल्के हल्के ढक ढक कर पानी डालेंगे, जरा सा फिर इसको ढक देंगे। इसको इसलिए कि इसका जो ये है फ्लेवर निकले ना हींग वाली। ऐसे हम हींग के पानी ऐसे धुएं वाली बना लेंगे। अब बस देखिए अब इसको हम ऐसे साइड में रख देंगे, धुएं वाली पानी को ऐसे हम रख देंगे। अब हम कढ़ाई को गर्म करें दही बड़ा बनाने के लिए। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे देखिए रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हलवाई लोग रिफाइंड ऑयल डालते हैं इसीलिए हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। वैसे हम दही बड़ा तो सरसों तेल में बनाते थे, और पर हम कर दिए हैं कि हम हलवाई स्टाइल बताएंगे तो इसी को डालना पड़ेगा हमें। देखिए तेल मेरा गर्म हो गया, हम चेक कर दिए हैं इसमें डाल के। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ऐसे हाथ में पानी लगाएंगे ऐसे करके। इसके बाद में वैसे तो हम दूसरी तरह से बनाते थे, मगर अब हलवाई वाला बनाना है तो ऐसे इन लोग ऐसे गोल करके बनाते हैं। इन लोग इसी तरह से बनाते हैं। बस अब इतना पहले हम निकाल ले बनाकर। देखिए ऐसे हम पलट पलट कर थोड़ा हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। इसके बाद में निकालेंगे, 1-2 मिनट और लगेगा। देखिए मेरा दही बड़े का जो पकौड़ी है वो बन के तैयार हो गया। अब इसी पानी में हम ऐसे इसको डालकर ऐसे ढक देंगे। अब ये 10 मिनट भीग जाएगा, फिर हम सर्व करेंगे।
आइए देखिए दही बड़ा मेरा खुल गया है कि नहीं। देखिए ऐसे दबा देना चाहिए किसी प्लेट में, नहीं तो ये उठ रहा था। देखिए थोड़ा गर्म तो है। देखिए ऐसे स्पंजी रह गया। थोड़ा गुनगुना है। चम्मच से निकालें। हल्का हल्का पानी इसे दबा दे रहे हैं। आइए हम दही को निकाल लें। पहले देखें मेरा दही कैसा हुआ, चीनी इसमें घुला कि नहीं। देखिए बिल्कुल मेरा चीनी घुल गया है। देखिए अब ऐसे हम सारे दही बड़े पे पहले दही डाल देंगे। आप चाहे वो पतला कर लें, पतला करने से कोई फायदा नहीं है। दही हम डाल दिए हैं। अब इसमें हम पहले डालेंगे जो हम बनाए हैं ये दही बड़े वाले मसाला। हम बनाकर अपने घर रखे रहते हैं, हमेशा काम लगता है, कहीं दही खाना रहे कहीं दही बड़ा रहता, हम बनाकर रखे रहते हैं। इसमें हम डाले हैं जीरा और 4-6 दाना मतलब काली मिर्च और 4-6 दाना धनिया, खड़ी धनिया। और हम डाल दिए इसमें मिर्चा। इसको हम मतलब रोस्ट करके अपने घर बना लिए। ऐसे इसको डालेंगे। इसके बाद में हम एक गोल्डी का जो चाट मसाला आता है इसको डाल देंगे हल्का सा। और डालेंगे हम, अभी तो हम नमक डाले नहीं है दही बड़े में, तो हम इसको डालेंगे एक काला नमक जीरा। इसको भी हम घर में बना कर रखे रहते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे सादा नमक, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि सब में जो रायता अरे जो दही बड़ा मसाला है जो गोल्डी वाली इसमें भी हल्का नमक रहता है ना, इसलिए हल्का हल्का सब डालना है नमक। थोड़ा सा हम डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स। चिल्ली फ्लेक्स हम ऐसे डाल दे रहे हैं। आप चाहें इसमें, देखिए हमने 3 वीडियो अपने मतलब चैनल पे डाली है, इस 3 तरह के बनाई है। और सब में कहीं हम भुजिया से डेकोरेट करे हैं, कहीं अनार के दाने से। देखिए शादी पार्टी वाली जो दही बड़ा है मेरा बनकर तैयार हो गया है। देखिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।